पावर की डायमेंशन के बाद अब हम डायमेंशन मालूम करेंगे प्रेशर की। और आप ज़रा गौर करें तो प्रेशर भी एक ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटी है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमनली हमारी लाइफ में इस्तेमाल होती है। प्रेशर की डायमेंशन मालूम करने के लिए थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, प्रेशर क्या होता है। जब आप किसी भी जगह पर फोर्स अप्लाई करते हैं और वो फोर्स किसी मखसूस एरिया पर अप्लाई हो रही हो तो वो कॉन्सेप्ट बन जाता है प्रेशर। यानी फ़र्ज़ कीजिए कि मैं इस कैप को यहाँ पर बंद करना चाहता हूँ, टाइट करना चाहता हूँ, तो टाइट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ज़ाहिर है कि मुझे यहाँ पर फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। मैंने फ़ोर्स अप्लाई कर दी, ये कैप मार्कर पर टाइट हो गया। लेकिन यहाँ हमें देखना ये है कि जो फोर्स मैंने इस कैप पर अप्लाई किया है वो पूरे के पूरे मार्कर पर या पूरे के पूरे कैप पर अप्लाई किया है, तो डेफिनेटली ऐसा हद नहीं है। यहाँ पर क्या हुआ, मैंने फ़ोर्स अप्लाई की जो कैप उसके मखसूस हिस्से पर, उस मखसूस हिस्से पर फोर्स अप्लाई करके इसको प्रेस किया, प्रेस किया तो ये टाइट हो गया। तो जो फोर्स हम किसी भी जगह पर अप्लाई करते हैं उसके मखसूस हिस्से पर, ज़रूरी नहीं कि पूरे के पूरे हिस्से पर फोर्स अप्लाई करें, किसी मखसूस रीजन पर, वो फोर्स कहलाती है प्रेशर। तो इस सूरत में हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर बुनियादी तौर पर डिपेंड करता है दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ पर, आपने फोर्स अप्लाई किया और साथ में कितने हिस्से पर यानी कितने एरिया पर अप्लाई किया। तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या बन गया, प्रेशर। यहाँ पर एक बार फिर बिल्कुल वैसे ही सूरत हाल के दो फिजिकल क्वांटिटीज़ रेशो यानी डिवीजन की सूरत में आ गई। तो हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अपनी सहूलत के मुताबिक यूँ भी लिख सकते हैं, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो हमने इस रेशियो को सिंपल मैथमेटिकल डिवीजन के में इस तरह से कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर एफ क्या है, फोर्स, और फोर्स का फॉर्मूला हमें मालूम है, हम डायमेंशन मालूम कर चुके हैं। न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक हम फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो फॉर्मूला बन जाता है मास इंटू एक्सीलरेशन डिवाइडेड बाय एरिया। यहाँ पर थोड़ी सी गलती पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट के लिए गलत साबित हो सकती है, वो क्या है उसको बड़ा ध्यान रखना है कि एरिया के लिए कैपिटल ए इस्तेमाल करना है और एक्सीलरेशन के लिए स्मॉल ए इस्तेमाल करना है। अगर आपने एक्सीलरेशन के लिए गलती से कैपिटल ए इस्तेमाल कर दिया या एरिया के लिए स्मॉल ए इस्तेमाल कर दिया तो ये गलत हो जाएगा, और आप काम तो सही कर रहे होंगे लेकिन कॉन्सेप्ट के लिहाज से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अगरचा बहुत मामूली चीज़ नज़र आ रही है लेकिन इसका हमें ख्याल रखना है। आगे चलते हैं, डायमेंशनली एनालाइज करते हैं। एम यहाँ पर मास है तो मास के लिए हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एम। ए यहाँ पर एक्सीलरेशन है, आप चाहें तो फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करके इसको डायमेंशनली एनालाइज करें या डायरेक्टली इसकी डायमेंशन फॉर्म लिख सकते हैं। तो हम चूँकि फॉर्मूले को एनालाइज करना तो सीख ही गए हैं, यहाँ पर अब हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। एक्सीलरेशन की डायमेंशन क्या थी, एल डिवाइड बाय टी स्क्वायर, तो मैंने वही लिख दिया, डिवाइड बाय एरिया। एरिया क्या है, टू डायमेंशनल स्पेस। और जब हमने डायमेंशन का टॉपिक स्टार्ट किया था तो सबसे पहले एरिया की डायमेंशन ही मालूम की थी, तो याद कीजिए ज़रा उस लेक्चर को देखिए कि एरिया की डायमेंशन हमने क्या मालूम की थी। आप देखेंगे वहाँ पर लिखा हुआ है एल स्क्वायर, तो मैंने एरिया की जगह पर एल स्क्वायर ही लिख दिया। अब देखिए पी इक्वल्स एम एज इट इज़, एल एज इट इज़, टी स्क्वायर को भी यूं ही लिख दिया। इस डिवीजन को जब हम मल्टीप्लीकेशन में तब्दील करते हैं तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाता है। एल स्क्वायर के नीचे वन है, वन ऊपर चला गया, एल स्क्वायर नीचे आ गया। यहाँ पर एल ऊपर और नीचे दो पावर में से एक पावर कैंसिल आउट हो गई। तो आगे देखते हैं कि क्या सूरत हाल निकल कर सामने आई। प्रेशर की डायमेंशन कुछ इस तरह से होने वाली है कि एम को आप वन से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा एम, और नीचे क्या बच गया, एल और फिर टी स्क्वायर। अब एल टी स्क्वायर दोनों डिनोमिनेटर में हैं तो इनको आप कहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, न्यूमेरेटर में। तो सूरत हाल जाएगी एम एल इनवर्स टी इनवर्स स्क्वायर, ये आ गई प्रेशर की डायमेंशन। यानी हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर के अंदर भी मास, लेंथ और टाइम शामिल है, लेकिन इस फिज़िकल क्वांटिटी की नेचर बाकी जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ अब तक हम लोग स्टडी कर चुके हैं उनसे नहीं मिलती।
तो हम कहीं पर भी ज़रूरत पड़ने पर प्रेशर की जगह पर उन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को या उन फिज़िकल क्वांटिटीज़ की जगह पर प्रेशर को इस्तेमाल नहीं कर सकते, चूँकि दोनों के डायमेंशन अलग अलग हैं। आगे चलते हैं, तो मोमेंटम से मिलती जुलती एक और क्वांटिटी, बल्कि ये मोमेंटम ही है और ये कहलाएगा एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, हमने समझा कि जब कोई चीज़ हरकत कर रही होती है तो हरकत करने की जो मकदार या हरकत करने का जो स्टैंडर्ड होता है वो कहलाता है मोमेंटम। अगर कोई चीज़ सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है, जैसे पंखा घूम रहा है, तो ये कितनी तेज़ी से घूम रहा है या कितने हल्के हल्के घूम रहा है, ये क्या कहलाएगा, इसका एंगुलर मोमेंटम। एक बस बज़ाहिर में स्ट्रेट पाथ पे मूव करती हुई नज़र आती है सड़क पर, वो तो हो गया उसका लीनियर मोमेंटम, लेकिन बस के जो पहिए होते हैं वो सर्कुलर पाथ पर मुसलसल घूम रहे होते हैं, तो बस के पहियों का जो मोमेंटम होगा वो क्या बन जाएगा, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन हम मालूम करते हैं, इसको हम एल से जाहिर करते हैं। नॉर्मली एंगुलर मोमेंटम के लिए कैपिटल एल यूज़ किया जाता है, लेकिन मैंने यहाँ पर स्मॉल एल यूज़ किया, उसका रीज़न थोड़ी देर में आपको समझ आ जाएगा। क्या होता है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का मतलब होता है रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ मोशन या स्टैंडर्ड ऑफ मोशन, यानी कि लीनियर मोमेंटम, जिसको हम किससे जाहिर कर रहे थे, पी से जाहिर कर रहे थे। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं फॉर्मूले को, एल इक्वल्स आर, ये पी क्या चीज़ है, पी जो कि लीनियर मोमेंटम है, याद करें वो बेसिकली क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, हम पहले ही इसको मालूम कर चुके हैं। आगे चलते हैं, एल इक्वल्स आर जो कि सर्कुलर पाथ का रेडियस है, ये फर्ज कर लीजिए एक सर्कुलर पाथ है, ये सेंटर हो गया और ये सरफेस पर मौजूद कोई पॉइंट हो गया, तो सेंटर से लेकर सरफेस तक का फासला, ये फासला बेसिकली क्या कहलाता है, रेडियस। लेकिन अगर आप यहाँ पर डायमेंशनल नेचर अप्लाई करें तो हो क्या रहा है, जो रेडियस है वो दो पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस ही तो है, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, और दो पॉइंट के दरमियान के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, लेंथ। तो जो लेंथ की नेचर बनती है वही बेसिकली किसकी नेचर बन जाएगी, रेडियस की। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एल, लेंथ के लिए हम एल इस्तेमाल करते हैं, तो रेडियस के लिए भी हमने क्या यूज़ किया, एल। एम यहाँ पर क्या है, मास, मास के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कैपिटल एम। और वेलोसिटी की डायमेंशन तो हम मालूम करना सीख ही गए हैं, डायरेक्ट डायमेंशन लिख रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, यानी लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। सिंप्लीफाई करते हैं, एल इक्वल्स एम मैंने पहले लिख लिया, एल को एल से मल्टीप्लाई कर दीजिए एल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, टी। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन क्या बन गई, एम एल स्क्वायर, टी को डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में शिफ्ट कर दीजिए, तो ये हो गया टी इनवर्स, एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन हो गई एम एल स्क्वायर टी इनवर्स। लेकिन इसकी नेचर को भी देखें तो बाकी फिजिकल क्वांटिटीज़ की नेचर से ये मिलती जुलती नहीं है, लिहाजा जहाँ पर एंगुलर मोमेंटम की बात होगी तो हम स्पेसिफिकली एंगुलर मोमेंटम के कॉन्सेप्ट को ही यूज़ करेंगे। और शुरू में मैंने कहा था कि मैं स्मॉल एल लिख रहा हूँ, वैसे नॉर्मली हम कैपिटल एल से जाहिर करते हैं। स्मॉल एम क्यों लिखा मैंने, क्योंकि कैपिटल एल आगे डायमेंशन के लिए हमें यूज़ करना था, अगर मैं यहाँ कैपिटल एल यूज़ कर देता तो अगेन कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता था कि कहीं ये भी डायमेंशन है, लेकिन ये डायमेंशन नहीं है, ये बेसिकली एंगुलर मोमेंटम का सिंबल है कि हम इसको किस तरह से डिनोट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो जहाँ पर डायमेंशन फॉर्म आएगी तो वहाँ पर आप स्मॉल एल लिख सकते हैं, अदरवाइज आप न्यूमेरिकल डेरिवेशन में कैपिटल एल का ही इस्तेमाल करेंगे। यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह प्रूफ करना सीखेंगे मुख्तलिफ फिजिकल इक्वेशंस को कि वो डायमेंशनली किस तरह से करेक्ट होती हैं। थैंक यू। Thank you.